हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम रघुनंदन ठाकुर की एक छोटी सी लीला देखेंगे। रघुनंदन ठाकुर जो है श्रीखंड में रहते थे। श्रीखंड जो है मायापुर में है, मायापुर से थोड़ी दूर पे ये श्रीखंड जगह है। और श्रीखंड में मुकुंद सरकार और उनके जो बेटे थे रघुनंदन ऐसे रहते थे और उनका परिवार रहता था। तो मुकुंद जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके बेटे जो रघुनंदन वो भी भगवान के बहुत ही बड़े शुद्ध भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो मुकुंद जो है उनको राजा ने किसी कारण बुला लिया। और राजा जो थे वो एक मुस्लिम राजा थे और उनके अंडर ये मुकुंद एक डॉक्टर की सेवा करते थे, एक वैद्य की सेवा करते थे। तो मुकुंद ये राजा की सेवा करते थे और एक दिन जब मुकुंद रघुनंदन जब घर पे थे तो अचानक राजा ने बुला लिया मुकुंद को। और उनके बेटे जो रघुनंदन थे तो वो घर पे थे और उनकी माँ, रघुनंदन की माँ उधर घर पे थी। तो अचानक मुकुंद को जाना पड़ा। तो मुकुंद ने रघुनंदन को बोला, देखिए मैं जा रहा हूँ, अचानक राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन हमारे जो डीटीज है, अर्च विग्रह है गोपीनाथ, उनको आज आपको भोग लगाना है। मैं आज भोग नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे अचानक जाना है, आप आज हमारे डीटीज को, अर्च विग्रह को, गोपीनाथ जी को आप भोग लगाना। तो रघुनंदन ने बोला कि मैंने कभी भोग लगाया नहीं, आप मुझे कृपा करके बताइए कैसे भोग लगाते भगवान को, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो मुकुंद बोलते हैं ठीक है, सिंपल है, क्या करना है कि जो आपकी माता है आपको एक प्लेट देंगी जिसमें बहुत सारा भोजन रहेगा, वो जाके भगवान के सामने रखना है और उनसे प्रार्थना करके बोलना है कि हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, कृपया करके ये खाइए, ऐसा बोलना है, उनको प्रार्थना करना है और फिर भगवान खाते हैं और फिर प्लेट बाहर लाना है, बस सिंपल। रघुनंदन बोले इतना सिंपल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भोग लगा लूंगा, आप चले जाइए पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर पिताजी जाते हैं, मुकुंद जाते हैं काम से और फिर थोड़ी देर में रघुनंदन की माँ उनको भोजन की थाली देती है और बोलती है कि गोपीनाथ को भोग लगाओ जैसे पिताजी ने कहा है वैसे। रघुनंदन बोलते हैं ठीक है। रघुनंदन लेते हैं वो थाली जिसमें बहुत सारा व्यंजन होता है और फिर डीटी रूम में जाते हैं, अर्च विग्रह के रूम में जाते हैं, वहां पे गोपीनाथ के डीटीज होते हैं सुंदर से। तो वो भगवान के सामने वो प्लेट रखते हैं और भगवान को बोलते हैं, हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, ये खाइए कृपा करके, मैंने आपके लिए ये भोजन लाया है, भोग लाया है, आप कृपया करके ले लीजिए। और फिर प्रार्थना करते हैं, रुकते हैं वहीं पे। तो गोपीनाथ जी तो है भगवान, कृष्ण क्या है, भगवान तो आंखों से खाते हैं, लेकिन ये रघुनंदन को पता नहीं, वो देख रहे कि भगवान खा ही नहीं रहे, प्लेट में वैसे की वैसा है। तो वो बहुत देर रुके, बोल रहे भगवान आप खाते क्यों नहीं है, मेरे पिताजी ने बोला है कि आप खाते हैं, आप खा नहीं रहे, जल्दी से खाइए, मुझे फिर से लेके जाना है प्लेट। तो भगवान वैसे की वैसे, फिर रघुनंदन जो है फिर भगवान को प्रार्थना करने लगे, फिर बाद में रोने लगे कि भगवान आप ले लीजिए, आप खाइए, आप खाइए, मेरे पिताजी ने कहा है कि आप खाते हैं, मैंने आज भोग लाया, आप खा क्यों नहीं रहे। फिर जो रघुनंदन की जो पुकार है वो रोते हैं इतना, तो भगवान कर दे पिघल जाता है और फिर गोपीनाथ जी बोलते हैं रघुनंदन को, देखो रघुनंदन, मैं जो हूँ मैं आंखों से ही खाता हूँ, मेरे कोई भी अंग से मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं आंखों से खा लिया मैंने ऑलरेडी, ये प्रसाद हो गया, आप लेके जाओ। रघुनंदन बोलते नहीं, मेरे पिताजी ने बोला है कि आप खाते हैं, आप खाते हैं, तो आपको खाना पड़ेगा। तो गोपीनाथ बोलते ठीक है। फिर गोपीनाथ आते हैं अल्टर से नीचे और वो सब जो है व्यंजन सब वो खा लेते और फिर रघुनंदन खुश हो जाते, वो खाली प्लेट लेते बाहर आ जाते और फिर माँ को दिखाते, ये लो प्लेट। माँ बोलते लेकिन ये कहा है प्रसाद, महाप्रसाद, महाप्रसाद सब ले लिया गोपीनाथ ने। माँ सोचते क्या है ये बच्चे ने खाया है शायद अल्टर के अंदर चुपके से, मैं अभी उनका पिताजी आते हुए उनका कंप्लेन करती हूँ, इसने पूरा खा लिया महाप्रसाद वो भी अल्टर के अंदर। तो फिर बाद में कुछ समय के बाद मुकुंद आ जाते हैं घर पे, बोलते हैं उनके पत्नी को कि मुझे भूख लगी प्रसाद दो। तो बोलती हो कि प्रसाद है ही नहीं क्यों, अरे ये मुकुंद, ये जो रघुनंदन है अपना बेटा, वो गया अल्टर में भगवान को भोग लगाया और खाली प्लेट लाया अंदर बाहर, भोग लाया ही नहीं। तो हाँ अरे रघुनंदन इधर आओ, क्या आपने भोग लगाया, हाँ मैंने भोग लगाया और फिर भगवान ने खाया, हाँ फिर कहा महाप्रसाद का है, महाप्रसाद क्या, भगवान ने पूरा खा लिया। फिर सोचने लगे मुकुंद क्या है, तो उनको भी शक आया, तो सोचे ठीक है अभी मैं क्या है आपको और एक थोड़ा भोग देता हूँ, वो भगवान को गोपीनाथ को फिर से खिलाना, ठीक है बोलते रघुनंदन, ठीक है। फिर लड्डू देते है कुछ, मुकुंद जो है कुछ लड्डू बना के रघुनंदन को देते, फिर रघुनंदन को बोलते जाओ और भगवान को भोग दिखाओ। तो रघुनंदन वो लड्डू लेके जाते हैं अल्टर के अंदर
और बाहर से चुपके से कौन देख रहा है, वहां से मुकुंद देख रहे कि क्या हो रहा है अंदर। रघुनंदन अंदर जाते हैं, फिर से भगवान बोलते हैं, हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, कृपया करके लड्डू ले लिए, आपके लिए लाया हूं मैंने, आप खाइए। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैंने आंखों से खा लिया, ये महाप्रसोग ना ही आंखों से नहीं, आपको खाना पड़ेगा, नीचे उतर के आना, आके आपको खाना पड़ेगा। तो फिर से रघुनंदन रोने लगते हैं, फिर भगवान आते हैं और वो लड्डू उठाते हैं और ऐसा खाते हैं। जैसे ही खाते वो देखते हैं कि अरे वहां से मुकुंद देख रहे, फिर से तुरंत वो लड्डू वैसे के वैसे रख देते हैं और फिर से अल्टर पे आ जाते। फिर मुकुंद को पता चलता है कि मेरा जो बेटा है रघुनंदन कितना महान भक्त है, मुझसे भी बड़ा भक्त है ये रघुनंदन, साक्षात भगवान आके वो खाते है। और आज अगर हम श्रीखंड में जाएंगे तो वो आधा लड्डू अभी भी वहीं पे है जो भगवान ने, गोपीनाथ ने आधा खाया है और आधा रखा है। तो ऐसी थी रघुनंदन की भक्ति, इतनी शुद्ध भक्ति थी रघुनंदन और रघुनंदन की भक्ति। और वैसे ही मुकुंद जो थे वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये हम छोटी सी लीला देखते हैं रघुनंदन की, कि कैसे अगर प्रेम से कोई भगवान को बुलाता है, प्रेम से खिलाता है, तो भगवान एक्चुअली आके खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।